सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल डायनामिक टेक्नो। दोस्तों मेरा विंडोज 7 पर जब मैं मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करके रन करने के लिए जाता हूं या फिर खेलो इंस्टॉल करने के लिए जाता हूं तभी दोस्तों एक एरर देखने के लिए मुझे मिल जाता है। आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ के बाद मेरा कंप्यूटर पर जो मीडिया क्रिएशन टूल रन नहीं हो पाता है तभी मुझे मेनी चैलेंजेस फेस करने के लिए पड़ता है। सेम टू सेम प्रॉब्लम दोस्तों अपना पीसी पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मैं आपको 101% गारंटी देता हूं जो आपका मीडिया क्रिएशन टूल होता है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा या फिर कह लो रन हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप आसानी से अपना कंप्यूटर को आप अपग्रेड कर सकते हैं। मीडिया क्रिएशन टूल क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू दोस्तों अपना कंप्यूटर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, विंडोज 7 से विंडोज 10 आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको करना है दोस्तों, कैसे आपको अपना कंप्यूटर में मीडिया क्रिएशन टूल को रन करना है, अगर आपका एरर आ रहा है तो कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। पहले जानते हैं दोस्तों आपको मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कैसे करना है। यू कैन सी दोस्तों ये जो लिंक है आपको ये वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन इसमें ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड वेबसाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारे OS आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपको OS चाहिए तो उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे कि मुझे विंडो 10 चाहिए तो विंडो 10 पर मैं क्लिक करता हूँ। विंडो 10 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेटअप डाउनलोड होगा दोस्तों आपको यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं दोस्तों अपना पाथ को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। देन आपको देखने के लिए मिलेगा, मिनिमाइज कर लेता हूँ, मेरा डेस्कटॉप पर ये आ चुका है मीडिया क्रिएशन टूल। तो इसमें मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा कुछ एरर लिखा हुआ था दोस्तों, देयर वाज ए प्रॉब्लम स्टार्टिंग सेटअप, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था, रीस्टार्टिंग करने के लिए पीसी को बोलता है। ठीक है, देन दोस्तों यहाँ पे ओके कर लेता हूं मैं। ओके करने के बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है और एक यहां पर एरर लिखा हुआ आता है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, वी आर नॉट श्योर टू व्हाट हैपेंड बट वी आर अनेबल टू रन दिस टूल ऑन योर पीसी, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है और यहां पे एरर कोड आपको देखने के लिए नीचे मिल जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको यहां पे ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाता है अपना कंप्यूटर में भी, तो आपको क्या करना है पहले मेथड पर चलिए जानते हैं। देन दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार पर टाइप करना है अपडेट, चलिए इसको मैं स्मॉल लेटर कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है दोस्तों आपको अपडेट टू एनेबल TLS 1.1 एंड 1.2 आपको लिखना है। TLS का मतलब होता है दोस्तों टूल। देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं चलिए एंटर प्रेस कर लूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों ये जो साइट माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर ऑफिशियल साइट आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पे अपडेट टू एनेबल TLS 1.1 एंड TLS 1.2 एज डिफॉल्ट सिक्योर प्रोटोकॉल इन विन HTTP इन विंडो लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अबाउट दी अपडेट लिखा हुआ आता है, देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देन दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद हाउ टू गेट दिस अपडेट का सेक्शन आपको मिल जाएगा। देन नीचे आपको मेथड 1 पर विंडो अपडेट का सेक्शन मिलता है, देन यहाँ पे मेथड 2 पर माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग पर आपको क्लिक कर लेना है। ये वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, एक वेबसाइट खुल जाएगा। देन यहाँ पे आपको प्रीवियस टैब पर आपको चले आना है। देन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको रजिस्ट्री इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे इजी फिक्स का exe फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। तो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों आपको इजी फिक्स पर क्लिक करना है। इजी फिक्स पर क्लिक करने के बाद और एक पेज ओपन हो जाएगा, देन यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे जो भी आप पाथ देना चाहते हैं दोस्तों आपको दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप दे देता हूँ। डेस्कटॉप तक देकर यहाँ पे सेव पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ पे ये डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है। देन यहाँ पे और एक पेज यानी कि और एक टैब पर चले आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग है, जो विंडो पेज कह लो, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो आपको कैसे चेक करना है दोस्तों आपका सिस्टम के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम टाइप को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर या फिर दिस पीसी कह लो, इसमें आपको चले आके राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर चले आके दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा सिस्टम का इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पे मेरा विंडो 7 प्रोफेशनल है और सर्विस पैक 1 है। यू कैन सी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा सिस्टम टाइप पर 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। ऐसे आपको चेक करना है दोस्तों आपका जो सिस्टम टाइप कौन सा है आपको पता चल जाएगा। देन चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद दोस्तों जो आपको यहाँ पर पेज आपको देखने के लिए मिलेगा 64-bit का, दो नंबर आपको नीचे से दो नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, साइट पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे डाउनलोड पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे और एक पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों ये लिंक पर आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे सेव लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अपना कंप्यूटर पर। ठीक है, आपको पाथ दे देना है, जो भी आप पाथ देना चाहते हैं दे सकते हैं। देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। देन दोस्तों आपको क्या
करना है आपको मिनिमाइज कर लेना है या फिर आपको क्रोम ब्राउजर को क्लोज कर लेना है। तो चलिए मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद ये जो तीनों सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा कंप्यूटर पर डाउनलोड हो चुका है। पहले दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो इजी फिक्स को क्या करना है दोस्तों, आपको राइट क्लिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करना है। ठीक है, इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर मैं रन पर क्लिक करूंगा। रन पर क्लिक करके जो भी एग्रीमेंट होता है इसमें एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर ये डाउनलोड यानी कि सेटअप हो जाएगा दोस्तों अपना कंप्यूटर पर। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा सक्सेसफुली। यू कैन सी सक्सेसफुली होने के बाद मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करके दोस्तों यहाँ पे जो पेज होता है दोस्तों पेज में आपको राइट क्लिक करके ओपन करना है या फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे आप जब ओपन करते हैं या फिर डबल क्लिक करते हैं तभी दोस्तों यहाँ पे और एक एरर दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे विंडो अपडेट स्टैंडर्ड इंस्टॉलर का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि दोस्तों इंस्टॉल एनकाउंटर होता है तो दोस्तों आपको ऐसा कुछ यहाँ पे एरर मिल जाता है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे चलिए मैं ओके कर लेता हूँ। सर्विस लिखने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिला, चलिए मैं लिख लेता हूँ सही से। देन यहाँ पे सर्विस पर आने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके नीचे आपको यहां पर चले आना है। सबसे नीचे यहां पे स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों विंडो अपडेट, इसमें आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे जो स्टार्टअप टाइप पर ये डिसेबल होगा आपका, तो इसमें आपको क्या करना है एनेबल या फिर ऑटोमेटिक कर लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिक कर लेता हूं मैं फिर से, चलिए ऑटोमेटिक करके मैं अप्लाई कर लूंगा। देन यहां पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद दोस्तों साइट पर आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। देन ये स्टार्ट हो जाएगा। देन चलिए इसको क्लोज कर लेता हूं मैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों अभी मैं इस पेज को राइट क्लिक करके ओपन करता हूं। यू कैन सी दोस्तों ये जो पेज होता है अभी स्टार्टिंग हो चुका है इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, देन मैं यस कर लेता हूं। यस करने के बाद दोस्तों ये जो पेज होता है अपना कंप्यूटर पर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद दोस्तों यहां पे रिस्टार्ट रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आपका पीसी को रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, तो आपको रिस्टार्ट कर लेना है। यू कैन सी रिस्टार्ट में कर लेता हूं। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों हो सकता है आपका यहां पर जो पीसी होता है वो ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, देन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है मेरा कंप्यूटर ओपन हो चुका है दोस्तों। चलिए अभी मीडिया क्रिएशन टूल में राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करूंगा। आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गेटिंग ए फ्यू थिंग रेडी लिखा हुआ है। देन यहां पे ये बफरिंग होता है। बफरिंग होने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है यहां पर, चलिए दिखा देता हूं। यहां पर एग्रीमेंट जो होता है इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है फिर से यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों गेटिंग ए फ्यू थिंग रेडी लिखा हुआ है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू डू लिखा हुआ आता है, अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, और जो यूएसबी के थ्रू जो अपग्रेड करते हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपग्रेड नाउ का जो ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा लेता हूँ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। यू कैन सी इसमें मैं क्लिक कर लूंगा। इसमें क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका कोई भी बूटेबल पेन ड्राइव रखें तो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपग्रेड नाउ पर क्लिक करता हूँ मैं, देन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। यू कैन सी दोस्तों आप डाउनलोड हो सकता है अभी देखने के लिए मिलेगा, डाउनलोड विंडो 10 फाइल आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा इस तरीके से। गाइस आप लोग देख लेंगे कैसे आपको मीडिया क्रिएशन डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर पर रन करना है, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा है, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए डायनामिक टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट असम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। See you soon. Jai Hind.